अमर का 2 इसकी रोमांचक कहानी और पात्रों के अनूठे अभिनय के लिए दर्शकों से सहज प्रतिक्रिया और प्यार मिल रहा है। आने वाले एपिसोड में रीमा और विवान के बीच संबंध टूट जाते हैं, जहां विवान को रीमा से शादी करने के पीछे की असली वजह का पता चलता है। जैसे जैसे ड्रामा आगे बढ़ेगा, दर्शकों को सीरीज में कई ट्विस्ट देखने को मिलेंगे। सीरियल के कलाकार तान्या और करण हाल ही में अपने सीरियल पर चर्चा करने के लिए ऑरेंज सिटी नागपुर आए। इस दौरान हमारे संवाददाता क्षितिजा देशमुख ने खास बातचीत की है करण शर्मा और तान्या शर्मा से। आइए डालते हैं एक नजर। ससुराल सिमर का जो कलर्स टीवी की जो फेमस सीरियल है, ये दोबारा आ रही है पार्ट 2 में। हमारे साथ है तान्या और करण। हम जानेंगे किस तरह का आपका किरदार है, क्या बताओगे? हाय गाइस, तो मैं ससुराल सिमर का 2 में प्ले कर रही हूँ रीमा। जैसे आप, आई होप आप देख रहे हो हमारा शो। मैं क्या कहूँ इस सीज़न के बारे में। फर्स्ट की इतनी एक्सपेक्टेशन थी कि हम सबको बहुत डर लग रहा था कि हम वो उस पे उतर पाएंगे कि नहीं, लेकिन 6 months की हमारा शो चल रहा है और बहुत अच्छे से चल रहा है। 6:30 के टाइम स्लॉट पे चल रहा है। सो ये सिर्फ और सिर्फ ऑडियंस की वजह से है कि उन्होंने हमारे सारे किरदारों को एक्सेप्ट किया, प्यार दिया और प्यार देते रहिए। मेरा कैरेक्टर सब, अगर आप देख रहे हो तो आपको पता ही है कि शी इज़ वेरी लेवल हेडेड। जो उसको चाहिए वो लेके ही रहती है और थोड़ी गुस्सेल है, लेकिन मन की अच्छी है। आप क्या बताओगे? हाय गाइस, दिस इज़ योर विवान ओसवाल हियर। ओके, तो आप लोग अगर ससुराल सिमर का सीज़न 2 देख रहे हैं तो आप लोग जानते होंगे कि विवान कैसा लड़का है। बहुत ही क्यूट सा है, बहुत ही फैमिली ओरिएंटेड है, इमोशनल है, और उसकी लाइफ में इतनी सारी घटनाएं घट रही हैं। तो रीमा से वो पहले बहुत प्यार करता था, लेकिन अब वो नफरत करने लगा है, जैसा कि आपने रिसेंटली एपिसोड में देखा होगा। और रीमा उसको वापस पाने के लिए बहुत कुछ करने वाली है, और वो बहुत मेहनत कर रही है, लेकिन मैं इतनी जल्दी पिघलने वाला नहीं हूँ। मैं बहुत सकला अंडा हूँ। सो मैं पिघलने वाला नहीं हूँ, और ये देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि कैसे रीमा विवान को मना पाती है, अपनी सच्चाई बता पाती है कि वो जो भी उसने किया वो किस कारण से, उसका रीज़न क्या था, और वो कैसे बिलीव करे रीमा की सच्चाई पे। और कुछ घटनाएँ ऐसे होने वाली हैं नियर फ्यूचर में जहाँ पर विवान के साथ एक बहुत बड़ा हादसा होने वाला है। सो वो देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा कि क्यों वो होता है, रीमा उसे कैसे बचाती है। दैट विल बी इंटरेस्टिंग। बिल्कुल, सेट पर की कुछ जो है मस्ती भरी बातें, या कभी कुछ ऐसा हुआ है ऐसा कुछ? सेट पे तो हम लोग बहुत मस्ती करते हैं। एक्चुअली हम लोग इनिशियली, हमने 2 महीने आगरा में शूट किया, बिकॉज स्टोरी आगरा बेस्ड है। एंड आगरा में शूट करने का बेनिफिट ये हुआ कि हम लोग बहुत फ्रैंक हो गए। लाइक हम लोगों ने 2 महीने एक बायो बबल में शूट किया, जहाँ पर हम एक ही होटल में थे, सब कुछ शूट, खाना पीना रहना सब कुछ वहीं। तो एज ए फैमिली हम लोग बन गए, तो अब तो हम इतने दोस्त बन गए कि जनरली बहुत ही ज़्यादा जोक्स क्रैक करते हैं, इतने गंदे करते हैं कि हमें नहीं समझ आता हम इतने बिगड़ कैसे गए। मैं लेम जोक्स मारता हूँ, पहले कोई नहीं हंसता था, और मेरे को बहुत सारे लोग मिल गए हंसने वाले, ये पूरी टीम मेरे जोक्स पे हंसती है। वीक पॉइंट क्या है? वीक पॉइंट किसका? करण का। वीक पॉइंट अगर उसको, हाँ वो बहुत मस्ती करता है, अगर उसको टाइम पे सोने नहीं दिया तो वो बहुत क्रैंकी हो जाता है। उसको 10 बजे सो जाना होता है, और सिंस आगरा की बात हुई है तो 2 महीने हम आगरा में थे, 10 बजे जाके सो जाएगा फिर। सो इसलिए हम उसको बहुत परेशान, हम उसे संत बाबा बुलाते थे, तो उसको बहुत सारे नाम दिए हैं हमने, जो मैं रिवील नहीं कर सकती, बट या हमारी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। बिल्कुल, क्या अपील करोगे दर्शकों से नागपुर की? पहली बार नागपुर आए होंगे, क्या बताओगे नागपुर के बारे में? क्या नागपुर के दो लोगों को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, नागपुर के दर्शकों को क्या बोलना चाहूँगा, है ना? अरे मैं नागपुर के बारे में क्या बताऊँ, नागपुर के यार संतरे मुझे, मैंने सुना बहुत अच्छे होते हैं। तो मैं दोस्तों से कहना चाहूँगा, जिनके पास भी मेरा एड्रेस नहीं है वो किसी तरह से ढूंढें और भेज दें मुझे। सॉरी, आई एम जस्ट किडिंग। बट नागपुर के संतरे और यहाँ की जो कल्चर है वो बहुत ही विविड है, और मुझे अच्छा लगा कि मैं यहाँ पर हूँ आज, और मैं चाहूँगा कि मैं फ्यूचर में आऊँ, कुछ दिन यहाँ रुकूँ, और जो भी लोग मुझे देख रहे हैं, हो सकेगा तो मैं आप लोगों के साथ मिलूँगा, आपके साथ टाइम भी स्पेंड करूँगा। और प्लीज़ तब तक आप मुझे टीवी पे देखते रहिए ससुराल सिमर का सीज़न 2 में विवान ओसवाल। ऑब्वियसली विवान ने बोल दिया कि संतरे बहुत फेमस हैं यहाँ के, लेकिन ऑल्सो मेरे को आते आते मुझे बताया कि नारंगी बर्फ़ी भी बहुत फेमस है, और हम लोगों को बहुत सारे
ऑर्डर्स मिले हैं कि नारंगी बर्फी लेके आना, वरना स्टेप मत करना सेट पे, तो वो लेना है। नागपुर में मेरा पहला टाइम है ऑब्वियसली, और तो बहुत कम टाइम है इसलिए देख नहीं पाएंगे, लेकिन हर्ड सो मच अबाउट इट एंड विश कि हम लोग वापस आएँ और अच्छे से एक्सप्लोर करें। तो ये थे हमारे साथ ससुराल सिमर का सीज़न 2 जो शुरू है, उसके कैरेक्टर थे दो, रीमा एंड विवान। बातचीत की है, पहली बार ये नागपुर आए हैं, नागपुर के बारे में भी इन्होंने बात की है और जो शो चल रहा है उसके बारे में भी बताया, किस तरह से आने वाली जो स्टोरी है उसमें किस तरह से ट्विस्ट आने वाले हैं, किस तरह की घटनाएं होने वाली है, तो देखते रहिए कलर्स, ऐसा भी उनका कहना है, और आप देखते रहिए। और आपने इतनी प्यारी बातें सुनी इनसे, कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ मैं क्षितिजा देशमुख, BCN News नागपुर।